दिल्ली नगर निगम के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश दिया है। मंत्रालय ने चुनावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की धारा 3, 3A और 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वार्डों के परिसीमन और उससे जुड़े अन्य कार्यों के केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से गठित आयोग दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए गठित आयोग में 3 सदस्य होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता राज्य के चुनाव आयुक्त विजय देव करेंगे, तो वहीं शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और इसी के साथ ही दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे। यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से 4 महीने के अंदर सौंपेगा। गृह मंत्रालय ने जो आज डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली उसका बहुत स्वागत करती है और इससे जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे पहले डिलिमिटेशन वार्डों का डिलिमिटेशन करने का काम पूरा होगा और इससे निगम का जो चुनाव है, जो निगम का एकीकरण हुआ है, उसके बाद निगम के चुनाव का रास्ता साफ होगा। 4 महीने में ये काम करने के लिए बताया गया और इसकी सारी रिपोर्ट इन लोगों को जो 3 मेंबर कमेटी बनी है उनको ये रिपोर्ट 4 महीने के अंदर अपनी एक्सरसाइज करके वार्डों के परिसीमन का करके और इनको केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय को सौंपनी है। मैं इसका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है वर्ल्ड की और हमारी सरकार आज हम वहाँ जीत रहे हैं जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा हो, मणिपुर हो, और हम पंचायत भी जीत रहे हैं, निगम भी जीत रहे हैं। हम कभी चुनाव से भागते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सफ़र 2 लोकसभा सीट से शुरू किया था और आज 303 लोकसभा से अधिक हमारे मेंबर हैं, तो चुनाव से कभी पीछे हटने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आज ये बता दिया है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो या मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, कहीं भी चुनाव से हम लोग भागने वाले नहीं। हम खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।